Hello children, hope you're all doing good. Let's start today's chapter of environment. Learning objectives, the meaning and importance of environment, the activities that make the environment, do it. You must have come across the word environment. Do you know what is environment? The word environment means the place or area around us. It includes both the living and non-living things such as air, water, sunlight, soil, plants and animals.

रहते हैं इसमें आपके लिविंग थिंग भी आते हैं और आपके नॉन लिविंग थिंग भी आते हैं जैसे कि आपके एयर वाटर सनलाइट या आपके क्या है नॉन लिविंग थिंग अब लिविंग थिंग्स जो हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स को एयर वाटर और सनलाइट की जरूरत होती है इसी तरह से एनिमल्स यहाँ तक कि ह्यूमन बींग्स भी डिपेंडेंट है एयर वाटर एंड सनलाइट पर ठीक है अपनी वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए तो इसीलिए क्लीन इन्वायरमेंट का होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लिविंग बींग के लिए वी ह्यूमन बींगस आर मेड द इनवायरमेंट डोटी और डर्ट इनवायरमेंट इज डेंजरस फॉर ऑल लिविंग बींगस और डर्ट इनवायॉयरमेंट इज कॉल्ड अ पलूटेड इन्वायरमेंट लेटेस लर्न हाउ अन्वायरमेंट गेट्स पलूटेड अब देखिए हम ह्यूमन बींग्स ने अपने अनवायरमेंट को डोटी कर दिया यानी डर्ट इन्वायरमेंट का मतलब क्या है पल्यूटेड इन्वायरमेंट तो चलिए पल्यूशन के बारे में देखते हैं पलूशन द वर्ट पल्यूशन मीन्स एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस टू द इन्वायरमेंट इफ समथिंग इज पलूटेड इट मीन एट इट हैज बीन डर्ट ही और अनकलीन द इन्वायरमेंट गेट्स पल्यूटेड थ्रू मनी वेज

एयर पल्यूट कैसे होती है फैक्ट्रीज़ का जो धुआं आता है या जो व्हीकल्स से निकलने वाला जो धुआं होता है एयर के साथ मिक्स हो जाता है और उसे पोल्यूट करता है इसके अलावा जैसे क्रैकर्स हम फायर क्रैकर्स पटाखे चलाते हैं उससे निकलने वाला धुआं भी एयर को पोल्यूट करता है वाटर पोल्यूट कैसे होता है जब फैक्ट्रीज का जो गंदा पानी होता है वो डिस्चार्ज कर देते हैं रिवर्स में या किसी भी वाटर बॉडीज़ में एंड देन आपका जो एनिमल्स या प्लांट्स हैं कुछ पानी में ही डाई हो जाते हैं इज बिकॉज ऑफ पोल्यूशन टी यू नो एयर पोल्यूशन कैन स्प्रेड लॉन्ग डिस्टेंसेज पेस्टिसाइड फॉर एग्जाम्पल हैव बीन डिस्कवर्ड इन एंटार्क्टिका वेयर दे हैव नेवर बीन यूज ब्रीदिंग एयर इन मैक्सिको सिटी इज थॉट टू बी एज हार्मफुल एज स्मोकिंग फोर्टी सिगरेट्स अ डे आपको पता है जो एयर पोल्यूशन वो कहीं बहुत लंबे डिस्टेंस तक भी फैल सकता है जैसे कि पेस्टिसाइड्स के सैम्पल्स मिले हैं एंटार्टिका में जहाँ पर पे पेस्टिसाइड कभी यूज ही नहीं किया गया है एंड मैक्सिको सिटी में अगर आप रहते हैं तो वहाँ पर अगर ब्रीथ कर रहे हो शैर में इसका मतलब आप एक दिन में फोर्टी सिगरेट स्मोक कर रहे हैं लैंड इज पोल्यूटेड वेन पीपल थ्रो गार्बेज ऑन ओपन लैंड फ्लाइज मस्कीटोज इन अदर हार्मफुल इंसेक्ट्स ब्रीड ऑन दिस गार्बेज दिस स्प्रेड मेनी डिजीज लैंड कब पोल्यूट होती है जब हम किसी भी लैंड में गार्बेज फेंक देते हैं किसी भी ओपन लैंड में इसके बाद बहुत सारे आपके इंसेक्ट लाइक फ्लाइज एंड मस्कीटोज इसमें ब्रीड करते हैं और इसके बाद हम बहुत सारे डिसीज फैलाते हैं noise is also a kind of pollution it is a problem of towns and cities factories loudspeakers firecrackers vehicles and music and wedding and parties produce a lot of noises loud noises affect our hearing abilities they can cause permanent deafness नॉइज़ भी आपका एक तरह का पोल्यूशन है आपको पता है अब जैसे कि बहुत तेज़ आवाज़ें जैसे आपकी आती हैं फैक्ट्री से या लाउड स्पीकरस से या आपके फायर क्रैकर्स हैं या अगर आप पार्टीज में जाते हैं वेडिंग्स में जाते हो जो डी जे की इतनी आवाज़ आती है तो लाउड नॉइसेज जो है, है हमारी हियरिंग एबिलिटीज़ को अफेक्ट करते हैं और कई बार इनकी वजह से परमानेंट डिफनेस हो जाता है प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट वी शुड टेक प्रॉपर स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट फ्रॉम फर्दर डैमेज हियर आर अ फ्यू वेज़ टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट

अपने सराउंडिंग को हमेशा क्लीन रखना है रैपिंग पेपर को री करेंगे हम मेटीरियल्स को पैक करने के लिए एनवलॉब्स को एंड इसके अलावा जो ग्लास या कैन्स या पेपर या कार्डबोर्ड है ये आपको देने हैं फैक्ट्रीज में जहाँ पर रिसाइकिल होते हैं लेट लेटेस्ट रिमेम्बो द प्लेस और एरिया अराउंड आस इज कॉल्ड द अनवायरमेंट द एवायमेंट इंक्लूड्स बुथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ह्यूमन बींग्स हर मेड द एनवायरमेंट डर्डी वी शुड टॉक प्रॉपर स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द इनवायरमेंट जिस जगह पे हम जिस प्लेस पे हम रहते हैं उसे हम कहते हैं इन्वायरमेंट एंड इसमें आपके दोनों ही आते हैं यानी लिविंग बींग एंड नॉन लिविंग थिंग्स भी ह्यूमन्स ने अपने इन्वायरमेंट को काफ़ी हद तक डॉटी कर दिया है तो इसीलिए अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें प्रॉपर स्टेप्स लेने होंगे चिल्ड्रन आई होप आपको चैप्टर समझ आओा आर इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे